हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहद पर तैनात जवानों ने किया योग, बड़ी तादाद में लगाए पौधे। बाड़मेर सहित देश व दुनिया भर में सोमवार को सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ऐसे में भारत पाक की सरहद पर तैनात देश के जवानों और उनके परिजनों ने भी उत्साह पूर्वक योग किया और कोरोना काल में रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा करने के लिए जवानों ने बड़ी तादाद में पौधारोपण भी किया। सरहदी जिले बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर मुख्यालय परिसर में 142वीं वाहिनी के जवानों ने मिलकर योग किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, जवानों और उनके परिजन शामिल हुए। कमांडेंट राजपाल सिंह ने योग के फायदों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से सामंजस्य एवं शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रेगिस्तान के इलाके को हरा भरा करने के लिए आज बड़ी तादाद में पौधारोपण भी किया गया। योग सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मंगलाचरण, सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, वृक्षासन, चक्रासन, अर्धचक्रासन, वज्रासन, वक्रासन, कपाल भारती, प्राणायाम, अनुलोम विलोम एवं ओम का उच्चारण किया गया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवान ने कहा कि योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ता है। आज योग मानवता को भी जोड़ रहा है। ये स्वास्थ्य शरीर, संतुलन मन एवं श्रेष्ठ विचारों का उपाय है। योग हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। कार्यक्रम में विभिन्न योगासनों के लाभ एवं हानि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्मिकों ने योग और शांति पाठ के लिए शांति एवं भाईचारे के साथ सबकी खुशहाली के लिए सर्व भवन्तु सुखिना सर्व संतु निरामय का संकल्प लिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों के योग के बाद बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने कनेर, करंजा, पीपल, नीम, सदाबहार जामुन, हरड़ व आंवले सहित सैकड़ों पौधे रोपे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठकराम इकबाल की रिपोर्ट।